उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती ब्लॉक जमनहा ग्राम सिमरहनिया पोस्ट लक्ष्मणपुर सिमरहनिया ग्राम पंचायत संगमपुर के निवासी प्रभु दयाल के जैसे 500 लोगों के खेतों में बालू जमा हुआ है। मैं रईस अहमद, ये मेरा समुदाय। हमें सबसे बड़ी परेशानी है, हम यहाँ पर किसान हैं, हमारे पास खेती के अलावा दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है, हम खेती से कर कर ही खाना खाते हैं और हमारे खेतों में बालू इतना पड़ गया है कि उसमें कोई फसल लग पाना असंभव है। अगर फसल नहीं उगेगी तो हम लोग भूखे हुए मर रहे हैं और मर जाएंगे। कभी आपने कभी अधिकारियों के पास पत्र दिया है? हाँ, मैं खुद गया था, जेम्स साहब जो निखिल चंद्र शुक्ला जी हैं इनसे मैं खुद मिला था, उनसे मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था मुझे परमिशन नहीं मिल रही है, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ। कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ में? 500-600 लोग प्रभावित हैं और लगभग में 1000 बीघा भूमि होगी जिसमें बालू पटा हुआ है। कितना फुट बालू आपके खेतों में पटा हुआ है? 4 फुट से ऊपर होगा, कम नहीं है। यदि हम उस बालू को हम लोग हटाने जाते हैं तो पुलिस द्वारा हमें चेतावनी मिलती है कि हम आप लोगों को बंद कर देंगे, आप बालू नहीं हटा सकते हैं, हल्का लेखपाल द्वारा ही हो रहा है, बालू नहीं हटाने देंगे, कोई परमिशन नहीं है तुम लोगों के पास, और हमें अभी तक कोई परमिशन प्राप्त भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बालू की है, जो नदी बाढ़ से आई है, बाढ़ से बालू सब पट गया है खेत में और ना वो फसल हो पाई है और अगली फसल भी नहीं हो पाएगी। बालू लगभग 4-5 फुट बालू पटा है खेतों में, सबसे बड़ी ये समस्या। दूसरी समस्या है ना, हमारे यहाँ सड़क रास्ता खड़ंजा कोई पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ये ग्राम समग्र गांव लगा है, फिर भी यहाँ ना तो कोई सुविधाएं मिल रही हैं किसी को, ना तो सही रूप से आवास मिल रहे हैं, ना जो पाने का पात्र है वो तो बिल्कुल नहीं पा रहा है, आपात लोग पा रहे हैं। जिला अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया था तो उन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि खेतों से बालू हटाई जाए ताकि प्रभुदयाल सहित 500 परिवार के दुख दूर हो सके। मैं सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध करता हूँ कि ये DM का नंबर है 94-54-46-47-56 पर कॉल करके दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, IndiaUnheard के लिए।